ये जो आंदोलन करना पड़ रहा है इसकी जिम्मेदार पुलिस ही है। 45 दिन बीत जाने के बाद भी जयपुर की दो बहनों का नहीं लगा सुराग। जयपुर में वकीलों ने पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। दोनों बालिकाओं की लास्ट लोकेशन बताई गई यूपी के लखनऊ के पास, तो वहीं अजय पाल लामा के नेतृत्व में 16 सदस्यीय एक टीम का किया गया गठन। नमस्कार, ANS न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। राजधानी जयपुर जिले की दो बहनों के एक साथ लापता होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि पिछले 45 दिन से जयपुर की इन दो बालिकाओं का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसी के चलते सोमवार को दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के बैनर तले जयपुर के अधिवक्ताओं ने विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की व जमकर नारेबाजी की। बता दें कि जयपुर के एक अधिवक्ता की यह दोनों पुत्रियां स्कूल के पास से लापता हुई हैं। जानकारी के अनुसार इनकी लास्ट लोकेशन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन और निशानगंज पेपर मिल कॉलोनी के पास बताई जा रही है। तो वहीं इस मामले को राजस्थान DGP ML लाठर ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपहृत बालिकाओं को तलाश करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम जयपुर अजयपाल लामा के नेतृत्व में 16 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया है। 45 दिन हो गए आज तक वो बच्चियां नहीं मिली। जब तक ये बच्चियां मिलने का आश्वासन नहीं देगी पुलिस प्रशासन, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। अधिवक्ता साथी की दो बच्चियां जो 16-17 साल की है वो लगभग 45 दिन से गायब है, जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक उनकी कोई तलाश नहीं की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है जल्दी जल्दी उनको तलाश लिया जाएगा। सच्चाई यह है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो रखा है। राजस्थान की पुलिस और यहाँ जयपुर में कमिश्नर में उच्च अधिकारी बैठे हैं, वो सक्रिय होकर अगर जांच करें तो जल्दी जल्दी बच्ची आ सकती है। और इतना गंभीर मामला है, पूरे अधिवक्ता समुदाय आज जयपुर बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नेतृत्व में कलेक्टर सर की जाम कर रखी है और वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि आश्वासन नहीं। कम से कम आज कहीं ना कहीं कोई नया बात हो, नई सुराग हो, जब जाके कोई आगे कार्रवाई नहीं, आगे आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा, पूरे राजस्थान में आंदोलन को फैलाया जाएगा। नजरा हमारे अधिवक्ता समुदाय की दो नाबालिग बच्चियां करीब 45 दिन से लापता है, उनका आज दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता इसमें साफ दर्शाती है कि ये इस मामले में गंभीर नहीं है। इसी मांग को लेकर हम आज कलेक्ट्रेट सर्किल पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नेतृत्व में धरने पर बैठे हैं। जब तक वो बच्चियों का सुराग नहीं मिलता या कोई आश्वासन नहीं मिलता, हम धरना समाप्त नहीं करेंगे।